मैं आ चुका हूँ यहाँ। ये मेरे फ्रेंड हैं अजीत सर, इन्होंने हमको बताया था कि दयाशंकर भाई यहीं रहते हैं। और अजीत सर बताइए, अब आप हमको मिलवाने ले चल रहे हैं, नहीं ले चल रहे हैं? चलिए दयाशंकर साहब को मिलवा देता हूँ। इन्हीं की वजह से आज मैं दयाशंकर भाई से मिलूँगा। थैंक यू अजीत सर, मैं तो जानता भी नहीं था ये कहाँ रहते हैं, लेकिन आपकी वजह से मैं आज इनसे मिल लूँगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कहेंगे हमारे बारे में, मैं कैसा यूट्यूबर हूँ? नहीं, आप इसमें प्रोग्रेस पे हैं, बना रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आप दर्शकों से कह दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग इनका प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और इनको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज मैं दयाशंकर मौर्या जी से मिल चुका हूँ। काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं उनका पता घर का कुछ जानता नहीं था। लेकिन एक मेरे फ्रेंड हैं अजीत जी, जो कि हमारे काफ़ी जिगरी मित्र हैं, उन्होंने मुझको बताया कि दया भाई कहाँ रहते हैं, मैं तुमको उनसे मिलवा दूंगा। तो काफ़ी दिन से मैं उनसे कह रहा था, वो काफ़ी दिन से उनके दरवाजे के पास जाते थे, कभी ताला पड़ा हुआ मिलता था या कभी वो कहीं चले गए होते थे। और आज अचानक सुबह सुबह मेरे पास अजीत जी का फ़ोन आया, बोले कि भाई आ जाओ, दया भाई आज अपने रूम पे हैं और मैं तुमको उनसे मिला देता हूँ। तो भाई मैं सुबह सुबह वहाँ पहुँचा, आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा, और मैं उनसे मिला। बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरा भी कोई चैनल है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले धमाके के साथ।